क्योंकि खुश ने मारुति पे कॉल भी दी थी अपनी। खुश, अब अगर 8,000 का तो चलिए अब बहुत ही पुराना लेवल लग, हम 8,500 के पास जा रहे हैं, यहाँ से और अपसाइड कितना है? अगर किसी ने एंट्री मिस की हो तो क्या उनके लिए लेवल्स भी एंट्री पॉइंट है? जी हाँ बिल्कुल। और यू नो दिस इज, जब हमने 8,000 की बात की थी, 8,200 आई थिंक एक ही दिन में स्टॉक ने यू नो अचीव कर लिया था, बट दैट डिड सीम लाइक अ बिगिनिंग, बिकॉज आपको ध्यान होगा 8,000 क्रॉस करने में स्टॉक को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी, बहुत ही यू नो एफर्ट्स के बाद उसने यू नो स्टॉक ने 8,000 का लेवल क्रॉस किया था। और हम यही डिस्कस कर रहे थे कि जैसे 8,000 का लेवल क्रॉस होगा अपसाइड जो है ये बहुत फास्ट आएगा, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर सीइंग। इस पे इमीडिएट बेसिस पे 8,600 के जो लेवल्स हैं वो आते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज वो यू नो रेजिस्टेंस जोन रहे हैं पहले। जिस तरह से स्टॉक 88,000 यू नो ब्रेक करने में थोड़ा समय लगाया था कुछ महीने पहले, 8,600 8,650 के जो ज़ोन्स थे वहां पे स्टॉक ने काफी टाइम स्पेंड किया था बिफोर अ ब्रेकडाउन। वहां पे एक हल्का सा सप्लाई जोन है स्टॉक में, यू नो हम हल्की सी रेजिस्टेंस देख सकते हैं, बट दैट इज स्टिल अबाउट अ गुड 200 पॉइंट्स अवे। तो 8,600 8,650 के जो लेवल्स हैं उनके उनको टारगेट बना के स्टॉक में अभी भी बाइंग की जा सकती है। एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो मैं फिर से रिइटरेट करूंगा कि बेचने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। Probably this is just the beginning of a new rally. Stock में हम आने वाले दिनों में 9,200 के levels भी देख सकते हैं, but keep taking each day as it comes. Trailing stop loss के साथ इस stock को hold करिए। Immediate basis पे 86-86.50 के levels इस stock में आते हुए दिख रहे हैं। 86.50 तक के levels on an immediate basis यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। अब भी इसमें काफी ज्यादा momentum है और अगर positions है उसे बिल्कुल intact रखने की राय, of course ये sector ही चल रहा है तो इसमें अगर किसी भी stock में आपने निवेश किया है तो उस पर बने रहने की ही राय। लेकिन काम आप और करो, आपको मैं काम एक सौंपता हूँ, एक जरा ये चेक करो आप, अशोक लीलैंड क्या ये BTST करना चाहिए? मान लीजिए किसी का M&M की पोजिशन, M&M से वो शिफ्ट करके अशोक लीलैंड पे आना चाहता है, ये सही फैसला होगा? करके चल सकते हैं। डीपी जी देखिए, M&M अगर तो स्टॉक को अगर मैं कंपेयर करूं तो डेफिनेटली M&M के अंदर काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिला है। तो वहां पर आप अगर आप 50% प्रॉफिट बुक करके प्लस 50% का जो क्वांटिटी है अगर आप अशोक लेलैंड में BTST करना चाहते हैं तो डेफिनेटली करके चल सकते हैं। पॉजिटिव कैंडल बनी है, वॉल्यूम एक्टिविटी काफी स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव क्रॉसओवर्स है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक बेट लेकर आप चल सकते हैं अशोक लेलैंड के अंदर। अगर मैं सपोर्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पर जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है एज ऑफ नाउ वो है 142.50 का, तो 142.50 आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। और जब तक के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है आप एक बार एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि 150 के लेवल आपको देखने को मिले जो कि काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है जहां पर हम लोग प्रॉफिट बुक करने की सलाह देंगे। तो आप BTST करके चल सकते हैं 50% क्वांटिटी की अगर आप M&M में बेच के चल रहे हैं तो। ठीक है, तो अशोक लेलैंड में शिफ्ट कर सकते हैं। रोहित शिंगरे को लगता है M&M में अच्छा मूव आ गया, हालांकि अशोक लेलैंड में भी पिछले महीने अच्छा मूव आया था लेकिन फिर भी कंटिन्यूअसली ये भी एक अप ट्रेंड में है और यहाँ लगता है प्रॉमिसिंग रिटर्न्स अभी भी मिल सकते हैं। लेकिन एक बात तो है, ये शॉर्ट कवरिंग का ही एक प्ले आउट है, लेकिन आपको सारे ही एल्युमिनियम काउंटर्स और साथ ही कॉपर काउंटर्स यानी वो कमोडिटीज वो जो अपने पीक से काफ़ी गिर चुकी थी, उस फॉल के बाद हमने स्टॉक में रिएक्शन देखे थे, वहाँ आप शॉर्ट कवरिंग अबाउट क्लियरली दिखाई दे रहे हैं।